हैं कि बिहार के सीमांचल जो चार जिले आते हैं उनको एक अलग स्टेट बनाना है, आखिर क्यों? वो चिकन नेक मतलब वो तो देश से काटने की बात है भाई। अच्छा, केवल मुसलमानों का बहुमत नहीं है बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुमत हो चुका है। अच्छा, ठीक है, लाखों की संख्या में इन चार जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां अस्थाई आवास बना चुके हैं। केवल ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, फायदे की राजनीति होती है तो बहुत भयंकर तूफान आता है। और देखिए हो रहा है सीमांचल में कि मुसलमानों का नेता कौन होगा, केवल सीमांचल नहीं बल्कि बिहार में भी, कि तेजस्वी यादव मुसलमान का बड़का नेता है या पप्पू यादव बड़का नेता है। दर्शकों, आज हम लोग बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे, जरा गौर से सुनिएगा और आपके लिए ये सुनना तो बेहद जरूरी है ही। देखिए, बिहार के टुकड़े करने की बात एक बार फिर हो रही है। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सर है, राजनीति के विश्लेषक हैं। सर, सीधा सवाल है, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं लेकिन कांग्रेस के नेता बने हुए हैं। अब पप्पू यादव का एक बयान आया है, बड़ा चर्चा का बयान है, विवाद का बयान है, कह रहे हैं कि बिहार के सीमांचल जो चार जिले आते हैं उनको एक अलग स्टेट बनाना है, आखिर क्यों? बिहार के टुकड़े करने की ये राजनीति क्या रंग लाएगी सर, क्या होगा बिहार का? नहीं, जिस तरह से पप्पू यादव का बयान है, मुझे लगता है पप्पू यादव अज्ञानता में ऐसा बयान दे रहे हैं। ठीक है, ये देश तोड़क बयान है, ये केवल बिहार के टुकड़े की बात नहीं है, जिन इलाकों को अलग करके वो अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको याद होगा सरजी लीमाम जब CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसने क्या बयान दिया था कि चिकन नेक। ठीक है, तो चिकन नेक कहाँ है? वही किशनगंज पे के पास है चिकन नेक। ठीक है, मतलब एक बार जब वो अलग होता हुआ अगर तो वो चिकन नेक मतलब वो तो देश से काटने की बात है भाई। अच्छा, आप देखे जिन जिलों को लेकर पप्पू यादव ने अलग राज्य की मांग रखी है वो है पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। ठीक है, इन इलाकों में आप याद रखिए केवल मुसलमानों का बहुमत नहीं है बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुमत हो चुका है। अच्छा, ठीक है, लाखों की संख्या में इन चार जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां अस्थाई आवास बना चुके हैं। लाखों की संख्या में वहां के बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं। ठीक है, और वो सभी के सभी देश विरोधी कृत्य में बहुत बड़ी आबादी है जो वहां पर उसमें संलग्न है। ठीक है, नकली नोटों का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, ठीक है, मादक पदार्थ जिसे हम कहते हैं ना, उसका कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। और वो इलाका ऐसा है जहां पर कि मुझे आश्चर्य लगता है कि कोई भी ऐसी सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की भी सरकार है, दुर्भाग्य है ऐसा कि बीजेपी भी इनके साथ रही है लेकिन फिर भी ये सब फल फूल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी क्यों नहीं इसे काफी गंभीरता से लेती है? ये बहुत बड़ा खतरा है राष्ट्र के समक्ष। देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता के रूप पे, देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी जब बड़ी पार्टी के नेता जब क्षेत्रीय बातें और क्षेत्रीय मुद्दे उठाने लगते हैं और उस मुद्दे में सही राजनीति ना होकर केवल ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, फायदे की राजनीति होती है तो बहुत भयंकर तूफान आता है। और देखिए, बिहार के जिन चार जिलों की बात कर रही है, यहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव क्या मुस्लिमों के लिए एक अलग स्टेट की मांग कर रही हैं? क्या पप्पू यादव तुष्टिकरण की एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम है वहां वहां एक अलग सा राज्य बना दो, अलग स्टेट बना दो? तो ये तुष्टिकरण की राजनीति जो पप्पू यादव कर रहे हैं, क्या इसका भयंकर परिणाम हो सकता है? इस जो ये आवाज यहाँ से निकली है, और जगहों से भी ऐसी मांगे उठ सकती हैं, देश का एकता की बात कहाँ फिर संभलेगी? नहीं, आपका कहना सही है, मैंने बताया ना, ये केवल वोट बैंक के लिए, केवल एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए पप्पू यादव का ये बयान है। ठीक है, इस तरह के बयान देने से मुझे लगता है एक सांसद को बचना चाहिए। ठीक है, आप इतना मदहोश मत हो जाइए, पूर्णिया से जीत गए आप एक बार, आपका इतिहास क्या है पप्पू यादव याद कर लीजिए। ठीक है, एक बार चुनाव जब जीतते हैं तो तीन चुनाव हारते हैं आप, आपकी असलियत बार बार उजागर होती है। इस बार भी लोगों ने आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर वहां पर चुनाव नहीं जिताया है, आप चुनाव जीते वहां पर इसलिए कि आपका जो
गरीबों की मदद करने वाली छवि बनी है, ठीक है, उसके कारण आपको वहां के हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, गरीबों ने, सवर्णों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, सभी जाति के लोगों ने आपको मत दिया, ठीक है। इस बात की राजनीति करनी चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए वहां पप्पू यादव को, न कि वही पारंपरिक रूप से जो मुसलमान वोट को एक वोट बैंक बनाकर जो है उसे भड़काओ और उसको भड़का कर जो है अपना हित साधते रहो। ऐसा देखिए हो रहा है सीमांचल में कि मुसलमानों का नेता कौन होगा, केवल सीमांचल नहीं बल्कि बिहार में भी, कि तेजस्वी यादव मुसलमान का बड़का नेता है या पप्पू यादव बड़का नेता है, इस होर में मत पड़िए पप्पू यादव। आप अभी ठीक बोल गए, क्या पप्पू यादव तेजस्वी की बराबरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार में ये एक राजनीति चल रही है कि जितना भी बिहार का मुस्लिम वोट है उसको अभी तक तेजस्वी यादव और लालू यादव साध रहे थे। तेजस्वी यादव जिस तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव में दिखे, तो क्या ये पप्पू यादव की एक चाल हो सकती है, पप्पू यादव की एक साजिश हो सकती है कि बिहार के मुस्लिमों को इस तरह की डिमांड उठाकर अपनी तरफ कर लिया जाए, राजद से खिसक कर ये सारे लोग हमारी तरफ आ जाए, क्या ये भी एक राजनीति हो सकती है? वही है, आप देखिए गौर से देखिए पूर्णिया की राजनीति को और सीमांचल में जिस प्रकार की बयानबाजी लगातार पप्पू यादव की तरफ से हो रहा है, ठीक है, उसका सीधा मकसद है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि वहां पर जो सीमांचल जो चारों जिला है और साथ में कोसी का जो इलाका है उसमें जो मुसलमान आज जो है, देखिए आप वो कहां है, तेजस्वी यादव के साथ है, सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो तेजस्वी यादव का है, आरजेडी के साथ है मुसलमानों का समर्थन, तो तेजस्वी यादव से बड़ा हीरो मुसलमानों का बनने के लिए ये होड़ बना लगा हुआ है, पप्पू यादव ने लगाया है तेजस्वी यादव के साथ कि मैं मुसलमानों का बड़ा नेता हूं, इसीलिए हम इस प्रकार का विध्वंसक, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ विध्वंसक बयान है, ये विध्वंसक मांग है, ये राष्ट्र विरोधी बयान है, ठीक है। इस तरह की बयानबाजी से पप्पू यादव को बचना चाहिए, मुझे लगता है कि उनको इस बयान का और इस डिमांड की भयावहता का अंदाज नहीं है पप्पू यादव को कि वो कितना बड़ा नुकसान करेंगे इस प्रकार की भावना को भड़का कर लोगों का। बिल्कुल सर, देखिए कुल मिलाकर हमें इतना समझना होगा कि सीमांचल इलाके को अलग राज्य आप किस आधार पर बना रहे हैं। पप्पू यादव के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है, ठीक है, हर क्षेत्र के लोगों को विकास मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप उसको अलग ही कर दे, बांट दे। अगर इसी तरह से बंटवारा होता रहा तब तो कोई राज्य बचेगा ही नहीं, हर कोई डिमांड करेगा। तो ये बड़ा समझने की बात है कि पप्पू यादव की ये जो राजनीति है ये लोगों के भले की तो नहीं लगती है। मैं बता रहा हूँ, देखिए अपने देश में राज्यों का निर्माण जो है ना वो शासन की सुविधा के लिए और हर क्षेत्र का समुचित विकास हो सके उसके लिए राज्यों का बंटवारा होता है। भारत एक इकाई है, ठीक है, हम सब हमारी कोई राज्य की पहचान नहीं होती है, ये तो बिहार, बिहार नाम कहाँ से आया, ये जो है केवल ये तो शासन की सुविधा के लिए बिहार बटा। पहले हम बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे, बंगाल से अलग हुए बिहार बने, फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड अलग हुआ, लेकिन केवल इस आधार पर राज्य का निर्माण कि उस एरिया में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ये गलत है, ये डिमांड करना बहुत ये राष्ट्र विरोधी डिमांड है। आपने देखा है जहां कश्मीर की क्या स्थिति हुई, किस प्रकार से वहां पर आंदोलन चला, पृथकतावादी आंदोलन चला, क्या पप्पू यादव सीमांचल में जो है पृथकतावाद का बीजा रोपण कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, कई गंभीर सवाल है जिन पर जवाब जरूर लोगों को पप्पू यादव से लेने चाहिए। हमने तो सवाल उठा दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप भी ये सवाल जरूर उठाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।